किसानों के चक्का जाम की निकली हवा, 6 फरवरी को यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम, टिकैत ने गन्ना कटाई का दिया है हवाला। यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम से पीछे हटने पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा हिंसा की आशंका के चलते दोनों राज्यों में रद्द किया चक्का जाम। किसानों के चक्का जाम को लेकर पुलिस अलर्ट, दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर भारी फोर्स तैनात। दिल्ली पुलिस ने डीएम आरसी को लिखी चिट्ठी, चक्का जाम के दौरान जरूरत पड़ने पर 12 मेट्रो स्टेशन को बंद करा सकती है दिल्ली पुलिस। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए हरियाणा के रोहतक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस की 6 कंपनियां की गई तैनात, 1 को रिजर्व रखा गया। किसानों के चक्का जाम के कारण 6 फरवरी को गाजीपुर के आसपास के सभी स्कूल रहेंगे बंद, 26 जनवरी को किसानों के उपद्रव के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। सिंघू बॉर्डर पर और मजबूत किया गया सुरक्षा घेरा, सरिया और कॉन्क्रीट की बनाई गई पक्की बैरिकेडिंग। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ही कर सकती है खून से खेती, बीजेपी ऐसा नहीं करती। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा अन्नदाता का भला चाहती है मोदी सरकार, हर हाल में होगा किसानों का फायदा। कृषि कानून पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार लेकिन कानून में कमी नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कानून को लेकर सिर्फ एक राज्य में गलतफहमी, साथ ही कहा किसानों की जमीन कोई नहीं ले सकता। कृषि कानून पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा राज्यसभा में कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही है तो फिर लोकसभा में क्यों नहीं। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ताओं पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने साधा निशाना, कहा देश का दुर्भाग्य है कि देश के भीतर कुछ जयचंद हैं। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने अब तक 32 किसान संगठनों के साथ की बात, खेती से जुड़े बोर्ड और संस्थाओं से भी कमेटी ने की है चर्चा। किसानों के चक्का जाम को कांग्रेस का समर्थन, दौसा महापंचायत में बोले सचिन पायलट, किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस, जल्द दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली हिंसा के मामले में साइबर सेल ने गूगल से मांगा जवाब, टूल किट का आईपी एड्रेस पूछा, सूत्रों के माने तो पाकिस्तान चीन के साइबर एक्सपर्ट का हो सकता है हाथ। सदन में हंगामा और काम नहीं होने पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ट्वीट, कहा सदन में चर्चा का स्तर गिर रहा है, लोगों की नजर में नेताओं की छवि गिर रही है। पीएम मोदी ने संसद भवन में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक, मीटिंग में शाह, जावड़ेकर, तोमर और प्रहलाद जोशी रहे मौजूद। शनिवार को पीएम मोदी गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को करेंगे संबोधित, हाईकोर्ट के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी होगा। 6 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिंधु दुर्ग का दौरा भी टला, अब 7 फरवरी को सिंधु दुर्ग जाएंगे अमित शाह। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, कतर से लौटने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने संदिग्ध आतंकी मनीब अहमद को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर की 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, 3 हैंड ग्रेनेड, AK-47 मैगजीन और कारतूस जब्त। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई 4G इंटरनेट सेवा, धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर ने 4G इंटरनेट सेवा पर पाबंदी थी। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल भी मिले, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट, कई इलाकों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने पेश किया अंतरिम बजट, सदन में राज्यपाल को नहीं बुलाने पर विपक्ष का हंगामा, लेफ्ट और कांग्रेस ने किया बजट का बायकॉट। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने फाड़ी बजट की कॉपी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ को नहीं बुलाने पर फड़क गए थे बीजेपी विधायक। पश्चिम बंगाल विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे, बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के शांतिपुर से बीजेपी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य को मिली जान से मारने की धमकी, 1 हफ्ते में शांतिपुर नहीं छोड़ने पर बदमाशों ने हत्या की धमकी लिखी है। 6 फरवरी को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शनिवार को नदिया में परिवर्तन यात्रा को नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली के स्कूलों में 10 महीने बाद फिर लौटी रौनक, 9वीं और 11वीं की क्लासेस शुरू, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से करना होगा पालन। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, इससे पहले बालासाहेब थोराट थे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष। मुंबई के मनखुर्द इलाके में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी, 19 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। काला हिरण शिकार केस में राजस्थान हाईकोर्ट से एक्टर सलमान खान को मिली राहत, कोर्ट ने सलमान खान को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। हैदराबाद में प्यार का प्रस्ताव ठुकराना एक महिला को पड़ा भारी, एक तरफा प्यार में पागल सन की आशिक ने कुल्हाड़ी से किया हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। देश में अब तक 52,90,000 से ज्यादा लोगों का हुआ है वैक्सीनेशन, 21 दिनों में 5 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना भारत। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील कर रहे हैं। यूपी विधान परिषद के नवनिर्वाचित बीजेपी के 10 सदस्यों ने ली शपथ, यूपी में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, बजट सत्र से पहले विधान परिषद में सभापति चुनाव की मांग की। यूपी में 10 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, 1 मार्च से 1 से 5वीं तक के स्कूलों को खोलने का ऐलान। लखनऊ में लोक भवन के सामने बुजुर्ग ने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह की कोशिश की, मकान पर दबंगों के कब्जे से परेशान था पूरा परिवार।
यूपी के अमरोहा में पुलिस के हत्थे चढ़ा बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी करने वाला गिरोह, आरोपियों के पास से 14 ट्रांसफार्मर जब्त भी हुए। एमपी के सतना में कुएं में गिरा एक बैल, नगर निगम ने जेसीबी की मदद से बैल को कुएं से बाहर निकाला। ग्वालियर में स्कूल से लौट रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गांव के युवक पर लगा रेप का आरोप, केस दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। एमपी के ग्वालियर में रेत माफियाओं ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, पुलिस ने अवैध रेत से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट का तीसरा विस्तार हो चुका है, सोरेन कैबिनेट में 2 चेहरे नए शामिल हुए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सीबी में रैली के दौरान धमाका हुआ, ब्लास्ट में 6 लोगों से ज्यादा लोग घायल होने की खबर। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार धमाका, ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत, कई घायल। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले दिन जो रूट ने जड़ा शतक, 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के 263 रन। चेन्नई टेस्ट में जगह नहीं मिलने से नाराज हुए कुलदीप यादव, विराट कोहली के इस फैसले पर गौतम गंभीर ने भी उठाए सवाल। 100वें टेस्ट में शतक लगाकर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी बने।